प्रदेश में अब तक इतनी बड़ी मात्रा में कहीं असर नहीं पकड़ा गया। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली और सीओ सिटी थाना प्रभारी और क्या कहते हैं जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़े गिरोह का आज गिरफ्तारी करी गई है। और इसमें अभी हमने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिनसे 131 से अधिक हमने असले बरामद किए हैं अवैध, जिसमें असले हैं, तमंचे हैं, जिसमें पौनिया हैं, जिसमें राइफल्स हैं, मस्कट्स हैं और उसके अलावा कारतूस हैं और जितना भी आपका सामान होता है फैक्ट्री को बनाने के लिए जो औज़ार होते हैं, जो इनके छेनी, हथौड़ा, उसके अलावा मशीन्स, उसके अलावा अन्य छोटे मोटे औज़ार, वो सारी चीज़ें इनसे बरामद करी गई हैं। और ये अभी तक का, जैसा कि मैं बता सकता हूँ आपको, कि पिछले 1.25 महीने में जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा और उससे पहले भी मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि अवैध असले किसी भी प्रकार से चुनाव में न यूज़ किए जा सकें। हम लोग 10 फैक्ट्रियों में 154 असले पकड़ चुके हैं, लेकिन जैसा कि आप समझेंगे कि ये एक अकेला ही ऐसा गिरोह है जिसके पास से 131 से अधिक असले हमने बरामद किए हैं, तो इनका स्केल आप समझ सकते हैं। और क्योंकि अभी उत्तराखंड में भी सेकंड फेज़ में चुनाव है और वेस्टर्न यूपी में फर्स्ट और सेकंड फेज़ में चुनाव है, तो उन सबको देखते हुए ये बड़ी तादाद में इस काम को करने का प्रयास कर रहे थे ताकि इनकी सप्लाई जो है वो इन सभी जगहों पर यूज़ हो सके। तो उस सबको निष्क्रिय करते हुए, इससे पहले कि ये उसको लार्ज स्केल पर कहीं सप्लाई को प्रोवाइड कर पाते, मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस पूरे गिरोह को, पूरे रैकेट को पकड़ा है। और इनके पास से हमें कुछ इंटेलिजेंस और इनपुट्स मिले हैं जो कि छोटे और ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में उनके विरुद्ध भी मुजफ्फरनगर पुलिस कार्रवाई करेगी। कब से फैक्ट्री संचालित थी और कब कितने तमंचे बेच चुके हैं? देखिए, इनका जो पुराना रिकॉर्ड है, जो जो इन्होंने सप्लाई किया है, वो सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन के अधीन है। वो सारी चीज़ें हम आपको विद ड्यू टाइम डिस्क्लोज करेंगे जब हम उन पर कार्रवाई कर लेंगे। जिन लोगों को इन्होंने अभी तक असला सप्लाई किया भी है, चाहे इन्होंने डायरेक्टली किसी व्यक्ति को सप्लाई किया हो, चाहे किसी छोटे व्यक्ति को जो असले सप्लाई का काम करता हो उसको किया और उसने किसी से आगे से लिया हो, उन सारी चीज़ों पर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। और जैसे जैसे हम पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अवैध असला लिया गया है, किसी भी क्रिमिनल या किसी भी ऐसे व्यक्ति के थ्रू पिछले कुछ दिनों में, तो उसके विरुद्ध क्रिमिनल कार्रवाई तो होगी ही होगी, जो मतलब आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होती है। हम उसको इस एंगल से भी वेरीफाई करेंगे कि वो चुनाव से रिलेटेड तो नहीं है व्यक्ति किसी प्रकार से, और अगर है तो संबंधित जहां से भी वो जुड़ा हुआ है उन सभी लोगों के खिलाफ इसमें हम प्रॉपर लीगल कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, 3 अपराधी अभी पकड़े गए हैं और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इनके गैंग से जुड़े हुए और जो लोग हैं उनको भी हम पकड़ेंगे। इसमें 3 अपराधी जो हैं वो पुराने क्रिमिनल्स हैं, पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री में बंद हो चुके हैं और इनका आपराधिक इतिहास है। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर की इस टीम के द्वारा Thank you.
आजा मेरे पास। द्वारा किस किस प्रकार से